अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की। एक कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर CBSE बोर्ड्स में इससे आ जाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें ये पता है ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे भी रिएक्टेंट है। दैट मीन्स जो भी आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। एंड जो फाइनल एरो के बाद होता है वो आपका बन के क्या तैयार हुआ है, प्रोडक्ट। तो अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड है दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की, जैसे यहाँ पे जिंक है, ZN किसका एलिमेंट है, ZN कौन सा एलिमेंट है, जिंक है। यहाँ पे इसके साथ कोई कॉफिशियन नहीं है, 1, 2, 3, दैट मीन्स ये क्या है, 1। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जिंक के, 1 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1। तो जिंक आपका बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट पे भी 2 हैं। SO4 दैट मीन्स सल्फेट का जो यहाँ पे आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसके कितने एटम्स है, इसका है 1, और यहाँ पे भी SO4 कॉम्प्लेक्स कितना है, 1। दैट मीन्स ये जो आपकी इक्वेशन है दिस इज़ आर बैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, वो अगर सेम हैं दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे, तो वो इक्वेशन आपकी होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं जो आपको फॉलो करने हैं वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, इनिशियली फर्स्ट स्टेप है आपका विल मेक बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ये आप बाद में स्किप कर सकते हैं जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। बट टाइमिंग हम, मैं आपको ऐसे भी सिखा दूंगी कि बॉक्स बना के देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हम लिखेंगे किसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में किया है, तो यहाँ पे आपके एलिमेंट लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्या क्या दिख रहा है आपको, जिंक, हाइड्रोजन और ये सल्फेट। इसको आप अलग अलग एस और ओ भी लिख सकते हो या फिर सल्फेट का कंबाइंड मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट हो गए जिंक, हाइड्रोजन, एस एंड ओ। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, देखिए जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के साथ क्या है, 2, तो एच हो गया 2। एस के साथ कितना है, 1, एंड ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 4। एंड सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड पे आपके जिंक कितने हैं, जिंक है 1, एच कितना है, एच है आपके 2, एंड सल्फेट एस है आपका, सल्फर है 1, एंड ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के हैं 4। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, दैट मीन्स दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम किससे बैलेंसिंग, अगर ये बैलेंस ना होती तो हम देन क्या स्टेप फॉलो करते, हम ये देखते कि किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे इस केस के अंदर किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो हम जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस एलिमेंट को बैलेंस सबसे पहले करेंगे, ठीक है। एंड बाद में फिर बैलेंस, वी विल बैलेंस ऑल अदर कंपाउंड्स एज वेल। देन एट लास्ट आप क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे कि सबके सेम है या नहीं, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे। क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने ये इक्वेशन दे रखी है आपको, Fe+H2O विल गिव यू Fe3O4+H2। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम इसके अराउंड बॉक्सेस बना लेते हैं यहाँ पे। सो ये मैंने बॉक्सेस बना दिए आपके लिए। तो अब यहाँ पे आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है F, देन H और फिर O, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, 1, H के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का है 1। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे Fe कितने हैं आपके, 3 हैं, ये कितना है Fe3, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब जो मैंने थर्ड स्टेप बोला था, यहाँ पे देखिए आप, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम। किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं आपको, हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन के। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये 1 है और ये 4। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1, 4, 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे बैलेंसिंग करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 4, 4 ऑलरेडी हैं, तो हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसके साथ 4 लगा दूँ तो देखिए क्या चेंजेस हुए, ऑक्सीजन के तो 4 सेटिस्फाई हो गए, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन के, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन के। बट अब आपके हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, 2 जा 8,
एट एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम हैं आपके पास, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने हैं दो, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर। तो ये 4 2 8 हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या बैलेंस हो गया। एफ ई यहाँ पे एक है और यहाँ तीन, तो दैट मीन्स आपको यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 1 3 ज़ा 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 ही एफ ई लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए आपके, और 3 ही एफ ई कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। और 4 2 ज़ा 8 8 हो गए एटम्स हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी 8 है, एंड ऑक्सीजन के 4 है, 4 O, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 है एटम्स। सो दैट मीन्स दिस इज़ आर बैलेंस्ड इक्वेशन, 3 Fe प्लस 4 H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4 H2। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो मैंने NCERT से लिए, सो दैट साइड बाय साइड आपकी NCERT भी प्रिपेयर हो जाए। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर्स, रिप्लाई करूँगी मैं, और एक्स्ट्रा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब आपको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सिम्बॉलिकली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विच गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, H2, क्लोरीन के लिए Cl2, एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड पे क्या है एरो के बाद, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने लिख दिया HCl। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्या लिखना है हमें, एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, एक H है और Cl, यही दिख रहा है सबको, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम लिख लेते हैं एच के कितने एटम्स हैं, एच के हैं 2, क्लोरीन के भी कितने हैं 2, और आर एच एस पे एच के कितने हैं 1, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स हम अज्यूम करते हैं 1 है। सिमिलरली क्लोरीन के साथ भी कितना है 1, दैट मीन्स अगर मैं इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के भी 2 2 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन के भी 2 एटम्स, एटम्स भी कह सकते हो आप। तो ये सेम हो गए रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे। नाउ आर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, कब होती है बैलेंस इक्वेशन, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड, दैट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका है बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है BaCl2। अब किसी को ये भी नहीं पता कि ये कैसे आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। देखिए बेरियम की वैलेंसी होती है +2, और क्लोरीन की होती है 1 या फिर -1 कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये क्या हो गया, Ba के साथ आ गया 1 एंड Cl के साथ 2। सो यहाँ से आपका ये कंपाउंड बना है बेरियम क्लोराइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की कितनी होती है, सल्फेट की होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। सो यहाँ से आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, प्रोडक्ट क्या है आपका, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें डाउट है कि ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं तो वो क्लास 9th की बुक को एक बार रेफर कर सकता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्स लिखेंगे पहले, वही BaCl है, Al है आपका, और ये SO4 सल्फेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए Ba के कितने हैं 1, क्लोरीन 2 हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं, और सल्फेट कितने दिख रहे हैं आपको, सल्फेट हैं 3। और राइट हैंड साइड पे बेरियम 1 है, क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है, और सल्फेट भी 1 है। अब थर्ड जो हमारा स्टेप था, क्या स्टेप था, कि हम मैक्सिमम जिसके एटम्स हैं उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लोरीन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं या सल्फेट के साथ भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से सल्फेट के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 होगा, 1 × 3 करेंगे तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 3 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 किया है, और ये कहाँ किया आपने, राइट हैंड साइड पे, तो SO4 को ढूंढिए कहाँ है ये रहा, आप इसके साथ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे SO4 के बैलेंस्ड हो गए, बट प्रॉब्लम क्या आ गई अब आपको, Al के, देखिए Al के कितने हैं यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट भी आप बड़ा ही देख लीजिए पहले, Cl के कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे Cl कितना है 3 है। अब देखिए Cl सिर्फ यहाँ है और यहाँ पे आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एल्यूमिनियम देख लेते हैं एक बार, एल्यूमिनियम के 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 1 × 2 तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2AlCl3। अब देखिए एल्यूमिनियम तो आपने बैलेंस कर दिया, बट यहाँ से किसकी प्रॉब्लम आ गई, Cl3 की, क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 6, 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे 2 तो पहले से ही थे, अगर मैं 3 कर दूँ तो ये 3 2 6, और बेरियम भी आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 बेरियम है और यहाँ पे भी 3। अब एक फाइनल हम देख लेते हैं कि सब बैलेंसिंग हो गई है या नहीं। बेरियम कितने हैं, 3, क्लोरीन है आपके 3 2 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3। यहाँ पे देखिए बेरियम है आपके 3, सल्फेट 3 अगेन, एल्यूमिनियम कितने हैं आपके 2, एंड क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है आपके 2 3 6। अब देखिए मैच करिए, 3 बेरियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी 3, क्लोरीन 6 6 2 2, एंड 3 सल्फेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 ही ऑन योर राइट हैंड साइड। दिस इज अगेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे 3 आ गया, ये एज इट इज़ रहा, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2। तो हमने कैसे किया, एक बार मैं फिर समराइज कर देती हूँ इसको। हमने स्टार्ट किया मैक्सिमम से, दैट मीन्स SO4 से 1 × 3 किया, ठीक है। सो ये हो गया 3BSO4, देन हमने क्या किया, एल्यूमिनियम, देन क्लोरीन और BA, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस दोबारा करिएगा, ये इंपॉर्टेंट वन है, कई बार आया भी हुआ है CBSE बोर्ड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम के लिए सिंबल होता है Na, वाटर के लिए H2O। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, NaOH एंड H2। अब देखिए Na है यहाँ पे और क्या है, देखिए हाइड्रो, अगर वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक H होता है और एक हाइड्रोक्साइड का आयन होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Na एक, H एक और OH एक, क्योंकि देखिए H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो एक H है और एक OH है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे एक ही Na है आपका, H कितने हैं, H है हमारे पास 2 और OH कितना है, OH है आपका 1। अगर मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 4 इधर हो गए H, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 4, तो यहाँ पे 2 2 4। सिमिलरली अब देखिए एक H2O में एक H होता है, एक OH होता है, तो 2 H2O में कितने होंगे, 2 H2O में 2 H और 2 ही OH, तो ये 2 H और 2 ही OH होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैंने एक बार दोबारा इसको कर दिया है। एलिमेंट्स हमने लिखे हैं Na, H एंड OH अगेन। LHS में एक Na है, H आपका एक है क्योंकि मैंने आपको बताया एक H2O के मॉलिक्यूल में एक H होता है और एक OH होता है, इन दोनों को मिला के H प्लस H H2 और ये O, एक Na एक H और एक ही OH। सिमिलरली आपके प्रोडक्ट साइड पे एक ही Na है और H कितने हैं, 2 और OH कितना है, 1। अब देखिए मैंने किससे बोला था मैक्सिमम से स्टार्ट करने हैं, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 2, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 2। अब देखिए कहाँ पे है H, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ। अब जैसे ही मैंने 2 किया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक H2O मॉलिक्यूल में एक H और एक OH है, तो 2 H2O में कितने होंगे, 2 H2O में होंगे आपके 2 H और 2 ही 2 होंगे OH। आई होप ये क्लियर है कि एक H2O में, दोबारा लिख देती हूँ, एक H है और एक OH है और 2 H2O में 2 H और 2 OH होंगे, ठीक है। अब ये 2H2O होने से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 OH आ गए और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 OH, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, बट यहाँ पे 2 Na हो गए, यहाँ पे 1 Na है, तो यहाँ पे 2। आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। बैलेंस द गिवन इक्वेशन, अगेन आपको वर्ड इक्वेशन की स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर। आप वाटर को प्लस H2O मत कर दीजिएगा, विद वाटर नहीं कह रहा, इन वाटर कह रहा है, पानी के अंदर। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड। दोबारा से हम अपने एलिमेंट लिख लेते हैं, Ba है और क्या है, Cl है, Na है और क्या है आपका, SO4। LHS पे Ba है 1, Cl है 2, Na है 2, SO4 1। RHS पे Ba is 1, Cl is 1, Na is 1 एंड योर SO4 इज 1। दैट मीन्स अगर इन दोनों से 2 को मल्टीप्लाई किया जाए RHS में, Cl और SO Na को, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी
बैलेंस. सो दिस वॉज वेरी सिंपलर वन. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. NaOH plus HCl react with NaCl and H2O. अगेन हम यहाँ पे बना लेते हैं. Na है, OH है, H और Cl. सिमिलरली ऑन द प्रोडक्ट साइड ये LHS हो गया, ये RHS. Na कितना है? एक. OH है एक. H कितना है? एक. Cl भी एक. RHS पे देखिए Na एक है, OH H2O molecule में एक OH और एक H. Cl कितना है? एक. ये आपकी इक्वेशन कैसी है? दिस इज योर बैलेंस्ड, ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. आई होप ये क्लियर है आपको. अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट से और प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखे हैं. यू हैव टू बैलेंस दीज इक्वेशंस. और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इनके आंसर्स भी आपको दे दूँगी. और कोई भी अगर डाउट आता है तो वो भी आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा. फटाफट से हम अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस बोर्ड्स में. तो ये है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग. लेड पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है और लेड आयोडाइड. ठीक है, इसको पहले तो आपको बैलेंस करना है. देन लिखना है राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड. देखिए इसमें जो PPT बनेगी यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा वो होगा PbI2. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है. क्यों? क्योंकि टू पेयर ऑफ आयन्स दे आर शिफ्टिंग देयर प्लेस. देखिए पी बी यहाँ पे आई के साथ हो गया प्रोडक्ट में और के किसके साथ हो गया? NO3 के साथ. तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लेड आयोडाइड. और बैलेंसिंग तो आप लोग कर लेंगे, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाई थी. बहुत ईजी है, एलिमेंट लिखेंगे के आई पी बी है और NO3. देन मैच कर लेंगे दोनों साइड, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होने चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? दे विल गेट रेंसिड. रेंसिडिटी हो जाती है उसमें. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल का. अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस. वो कैसा हो जाएगा? उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सॉगी आपको टेस्ट आएगा. एंड सजेस्ट फ्यू वेज बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड. वी कैन प्रिवेंट इट बाई यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, या फिर आप उसके अंदर नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं. दैट इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट बेसिकली. सो दीज आर द फ्यू मेथड्स बाई विच वी कैन प्रिवेंट इट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड. ऑक्सीडाइज्ड मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन. अब देखिए यहाँ पे H2 था और यहाँ पे क्या बन गया? H2O. तो इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ. इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. और यहाँ पे इसने लूज़ किया ऑक्सीजन, तो ये CuO से Cu बना है. ये क्या हुआ है? रिड्यूस्ड. यहाँ पे क्या हुई है? रिडक्शन. गिवन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. कौन सी होती है रेडॉक्स रिएक्शन? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है. प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें पोस्ट कर दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. और जो भी नोट्स हैं इस चैप्टर के वो भी आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें. और जो भी नोट्स हों आप उसको थॉरली स्टडी कीजिए, साइड बाई साइड वीडियोज़ देखिए. एंड कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट आता है सो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे बताइए. I'll help you in each and every possible manner I could. ठीक है, so thank you so much for watching.